आज हस्बैंड बोले कढ़ी खाने का मन कर रहा है बट थोड़ा लाइट करके बनाना, तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सिंधी टमाटो कढ़ी, लेकिन थोड़ी लाइट वर्जन में। इस कढ़ी का टेस्ट टैंगी और सब्जियों का फ्लेवर माइल्ड होगा, परफेक्ट फॉर अ लाइट मील। और साथ में सिंधी स्टाइल चावल भी बनाएंगे जो इस कढ़ी के साथ बेस्ट कॉम्बिनेशन है। कुछ स्पेशल टिप्स और फायदे भी आपको इस रेसिपी में बताने वाली हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मार्केट से फ्रेश सब्जियां लेकर आई हूँ, बीन्स, ग्वारफली, भिंडी, गाजर, आलू, टिंडे, मटर और गोभी भी चाहिए होगी। आज मुझे ड्रमस्टिक नहीं मिली, अगर आपको मिल जाए तो आप वो जरूर ऐड करिएगा। टमाटर का मैंने हेड हटाकर टेल पर क्रॉस का निशान लगाया है। टमाटर पर क्रॉस का निशान बनाने से उनका छिलका आसानी से निकल जाता है। पानी गर्म करके टमाटर को हल्का सा बॉइल कर ले। मैं ले रही हूँ 1 कप चावल, जिनको 3 से 4 बार पानी में धोकर भिगो लेंगे ताकि चावल खिले खिले बने। चावल को अच्छे से धोना जरूरी है ताकि एक्स्ट्रा स्टार्च निकल जाए और चावल लाइट और फ्लफी बने। टमाटर को निकाल कर ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे, तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। और जिस पानी में टमाटर को बॉइल किया था उसको भी हम यूज करेंगे। सब्जियों को भी मैंने अच्छे से धोकर बड़े टुकड़ों में काट लिया है। सब्जियों को बड़े साइज में काटने से वो ओवर कुक नहीं होती और कढ़ी के अंदर अपना टेक्सचर मेंटेन करती हैं। मैंने ली है सुपरी, जो हर सिंधी घर में आपको मिलेगी। इस सुपरी में खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। क्या आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सुपरी आपके घर में है या नहीं? मैंने गैस की फ्लेम को ऑन नहीं किया है। टमाटर को छीलकर जिस पानी में हमने बॉईल किया था उसी के साथ पीस लेंगे। छिलका उतार कर जब हम टमाटर पीसते हैं ना, तो कढ़ी का टेक्सचर स्मूथ बन जाता है। और जिस पानी में हमने टमाटर बॉईल किए थे, इससे कढ़ी का फ्लेवर और डीप हो जाता है। अब गैस ऑन करेंगे। ऑयल गर्म होते ही जीरा, राई और मेथी दाना का तड़का लगाएंगे। फिर हींग और करी पत्ते डालेंगे। हींग और मेथी दाना डाइजेशन के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं, इसलिए उन्हें तड़के में जरूर डालें। हरी मिर्च और ग्रेटेड अदरक को डालकर सौते करेंगे ताकि अच्छा सा अरोमा आए। क्या आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आप मेरी वीडियो कौन सी सिटी से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक यू कर सकूं। अब 3 टेबलस्पून बेसन डालेंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। बेसन को अच्छे से भूनना जरूरी है क्योंकि इससे कढ़ी थिक और क्रीमी होती है और रॉ टेस्ट चला जाता है। बेसन के कलर के ऊपर ही कढ़ी का कलर डिपेंड करता है, इसलिए बेसन को अच्छे से भूनना है। साथ ही मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। बेसन का रंग और लाल मिर्च का रंग दोनों मिलकर कढ़ी को बहुत ही शानदार रंग देंगे। फिर मैं ऐड कर रही हूँ टमाटो की जो प्यूरी है ना वो, साथ ही मैं डालूंगी लगभग 1 लीटर पानी, मतलब टोटल मिला के 1.5 लीटर पानी और 0.5 किलो टमाटर हमें ऐड करने हैं। टमाटो प्यूरी को धीरे धीरे डालेंगे और साथ साथ कंटिन्यूअसली चलाते रहेंगे। लंप से बचने के लिए प्यूरी डालते वक्त कढ़ी को घुमाते रहना बहुत जरूरी है। अब नमक, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर डालकर एक उबाल आने देंगे। आपने बहुत सी कढ़ियां बनाई होंगी, लेकिन क्या आपने सिंधी टमाटो कढ़ी का मजा लिया? इस यूनिक कढ़ी का टेस्ट आपको एक नए लेवल का सेटिस्फेक्शन देगा। पैन में घी गरम करेंगे और जैसे ही घी अच्छे से गरम हो जाए, भीगे हुए चावल ऐड करेंगे। इन चावल को हल्के हाथों से 30 से 40 सेकंड तक भूनेंगे। ये है सिंधी स्टाइल चावल बनाने का। चावल को भूनने से वो और भी खिले खिले बनते हैं। 1 कप चावल है तो मैं इसमें डालूंगी 2 कप पानी। स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे। एक बार अच्छे से चलाकर आधा ढक्कन लगाकर पानी सूखने तक पकने देंगे। कढ़ी में अच्छा सा उबाल आ गया है। अब हम सब्जियों को एक एक करके ऐड करेंगे। मैं सबसे पहले डाल रही हूँ 1 गाजर, 2 मैंने टिंडे लिए हैं, 1 बड़ा सा आलू लिया है और सबको बड़े बड़े टुकड़ों में कट किया है, गोभी लिया है, बीन्स, ग्वार की फली ऐड कर रही हूँ मैं, थोड़े से मटर मैंने ऐड किए हैं,
ताज़ा मटर मार्केट में मिल गए थे तो मैंने उनको छील कर ऐड कर लिया है। यहाँ पर आप ड्रमस्टिक ज़रूर ऐड करें। आज मुझे मैंने जैसा कि बताया मार्केट में मिली नहीं। मैंने यहाँ पर भिंडी अभी तक ऐड नहीं करी है क्योंकि मैं भिंडी को सौते करके ऐड करने वाली हूँ, क्योंकि जो भिंडी होती है ना उसमें अंदर जो वो लई सी होती है ना वो कढ़ी में अगर फैल जाएगी ना तो कढ़ी का स्वाद बिगड़ जाएगा। वैसे तो कढ़ी में ये सभी सब्जियाँ फ्राई करके ऐड करी जाती हैं, लेकिन आज हम लाइट वर्जन कढ़ी बना रहे हैं ना, टमाटो कढ़ी, तो इसमें मैं भिंडी को ओनली घी में सौते कर रही हूँ। कढ़ी को लगभग 15 से 20 मिनट तक कड़ने देंगे, तभी इसका स्वाद आएगा। जब भी मुझे घर के कुछ खास मोमेंट्स याद आते हैं ना तो मेरी माँ की बनाई सिंधी टमाटो कढ़ी जरूर याद आती है। चावलों का पानी अच्छे से सूख गया है, एक बार हम चला लेंगे हल्के हाथों से। इसके बाद अच्छी तरीके से ढक्कन लगाकर 5 से 7 मिनट पकने देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर। मैंने 2 पीस इमली को भिगो के रख दिया था, अच्छे से इसको मैश करके इसका पानी अलग कर लेंगे। वैसे तो टमाटर की खटास काफ़ी है, लेकिन इमली का जो खट्टापन होता है ना उसका टेस्ट कढ़ी में ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं थोड़ी सी इमली ऐड ज़रूर करूँगी। चावल तैयार हैं, अब हम उन्हें गन्ने देंगे ताकि वो खिले खिले बने। हम सिंधी लोग चावल को गन जरूर देते हैं। चम्मच के उल्टी तरफ से हल्के हाथों से गन दिया जाता है। चावल को जेंटली स्टिर करने से वो स्टिक नहीं होते। ढक कर साइड करके रख देंगे। कढ़ी भी हमारी अच्छे से पक रही है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले आलू का पीस लेंगे और चेक करेंगे कि आलू गला है कि नहीं। आलू गल गया इसका मतलब ये है कि सभी सब्जियाँ गल गई हैं और कढ़ी भी अच्छे से पक गई है। इसी वजह से हमें आलू और सब्जियों के बड़े बड़े पीस डालने होते हैं। मैं डाल रही हूँ भिंडी जो अच्छे से सौते हो गई है और इमली का पानी। ये दोनों चीज़ें डालकर वापस से हम 10 मिनट के लिए और कढ़ी को पकने देंगे ताकि कढ़ी ऑयल पर आ जाए, मतलब ऑयल सेपरेट हो जाए। आप सोच रहे होंगे कि सारी सब्जियां गल चुकी हैं तो फिर वापस से 10 मिनट पकाएंगे तो मशी हो जाएंगी। बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने इसमें डाला है इमली का पानी जो सब्जियों को वैसे ही मेंटेन रखेगा, ज़्यादा गलने नहीं देगा। इमली का पानी कढ़ी को टैंगी और रिफ्रेशिंग बनाता है जो सिंधी कढ़ी का यूनिक फ्लेवर है। तो ये रही लाइट टैंगी और फ्लेवरफुल सिंधी कढ़ी। नहीं, टैम्पटिंग लग रही है और रंग भी कितना बढ़िया आया है। सभी सब्जियां अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं और परफेक्ट कंसिस्टेंसी की कढ़ी बनकर तैयार हुई है। हरे धनिया से गार्निश करेंगे और गर्मा गर्म खिले खिले चावलों के साथ और पापड़ के साथ सर्व करेंगे। इस कढ़ी का बेस्ट कॉम्बिनेशन है आलू टूक या अरबी टूक और साथ में मीठी बूंदी, तो मील को बिल्कुल कंप्लीट कर देती है। तो ये रही गर्मा गर्म सिंधी टमाटो कढ़ी, खिले खिले चावल और सिंधी पापड़। अरबी टूक की रेसिपी आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं या तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगी। मैंने और भी बहुत सारी सिंधी रेसिपीज अपने चैनल पर पोस्ट करी हैं, तो आप वो देख सकते हैं। अगर सिंधी टमाटो कढ़ी की रेसिपी पसंद आई तो आप भी अपने किचन में जरूर ट्राई करें। इस यूनिक कढ़ी का टेस्ट आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारी कुकिंग फैमिली का हिस्सा बन जाएं। अरे वाह, यम्मी।